आप देख रहे हैं जीनोज होटल और गंगापुर सिटी के प्राइवेट बस स्टैंड से हम लाइव दिखा रहे हैं। और यहाँ जितने भी ड्राइवर हैं हमसे बात करना चाहते हैं। इन्होंने अभी ज्ञापन दिया था कलेक्टर साहब को और उस ज्ञापन के अंदर जो चीज़ बताई जा रही है उपरोक्त है कि सभी जो भुगतान जो वाहन जो लगे थे चुनावों में लोकसभा चुनाव में तो इनके साथ में जो घोटाला हुआ है जो लोचा हुआ है उनकी जो आप बीती है वो यहाँ ये लोग बेचारे ड्राइवर सा ड्राइवर जितने भी हैं वो सब बताएंगे। एक क्या नाम है आपका? कैलाश। आपका पैसा कितना होना चाहिए था और कितना कटा? 54,500 करीब होना चाहिए सर। गाड़ी कितने दिन चली थी आपकी? 40 दिन। किस विभाग के अंदर? एसएससी टीम थी या एफएससी? एफएससी टीम के अंदर चली थी। कितने दिन? 31 दिन। 41 दिन। 41 दिन की गाड़ी चली थी और इनको जो भुगतान होना था वो 54,000 कुछ रुपये होना था और बाकी कितना हुआ है आपको? 22,000। तो इन्होंने काफ़ी जैसे आपने प्रशासन से मुलाकात की थी? खूब अच्छी सबसे ही मुलाकात करी साहब, सब ने मुझे आप कर दिया। कितनी तारीख को आपको पैसा डाला था ये? अभी आया 8-10 दिन पहले। 8-10 दिन पहले आए थे? 8-10 दिन पहले आए थे। तो आप आज आपने किनको ज्ञापन दिया था? आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे के आए। हाँ, तो उस ज्ञापन में क्या क्या मतलब आपने उनको सामने रखा था? ज्ञापन SDM ज्ञापन में आपने क्या क्या कलेक्टर साहब से कहा और कलेक्टर साहब ने आपसे क्या कहा? वही वो जो हमने लिख रखी ना ज्ञापन में। भाई इन्होंने जो ज्ञापन में जो लिखा था कि भुगतान नहीं हुआ है, जानकारी करने पर पता चला कि भुगतान GPS के बताए जाने पर जो आधार पर जो GPS जो GPS ने बताया था कई गाड़ियों के 17 दिन बता रहा है और चली जो है वो 41 दिन चली है आपकी। तो ये GPS का कारण बता रहे हैं कई जो अधिकारी थे, है ना, तो वो अधिकारी बोल रहे हैं क्या नाम है कि कई GPS का कारण भी हो सकता है और उन्होंने कुछ अधिकारियों से भी मुलाकात कर ली लेकिन इनके साथ में जो घोटाला हुआ है जो लोचा हुआ है वो एक गलत हुआ है। और ये ड्राइवर साहब सभी बैठे हुए हैं यहाँ और एक ये सद्दाम, आपका नाम क्या भाई? सद्दाम भाई, आपकी गाड़ी कितने दिन लगी थी? डोनल के पास में लगी थी, 5 दिन गाड़ी चली, 5-6 दिन पैसे आया 2800 रुपये। ये आप सुन सकते हैं इनकी लाइव 1325 के हिसाब से 6,600 कुछ रुपये बनते हैं। 2800 दिए। तो हम आपके यहाँ जो लोकल में भी हैं उनसे बात करना चाहेंगे। एक ये पप्पू भाई अगर ये बेचारे ड्राइवरों के साथ में जो हुआ है गलत हुआ है आप क्या कहना चाहोगे सरकार को? हम ये कहना चाहेंगे कि इनको मालिक जो हैं वो मालिक चोर समझ रहे हैं और गाड़ी वालों का घाटा, ड्राइवरों का घाटा, ड्राइवर इसमें बदनाम होते हैं। अगली बार इंस्पेक्टर आ जाए या कोई भी आ जाए प्रशासन गाड़ी नहीं दी जाएगी। मतलब इनका कहना है कि कोई भी अगर RTO यहाँ अधिग्रहण गाड़ियाँ करने आएगा तो ये जितने भी ड्राइवर हैं यहाँ कोई भी गाड़ी उनको अधिग्रहण जो भी चुनावों में जो लगती है वो यहाँ नहीं देंगे क्योंकि सरकार ने इनके साथ में बहुत बड़ा धोखा किया है और अन्यथा जब गाड़ियाँ लगेंगी तो ये गाड़ियों को नहीं देंगे। क्या कहना चाहोगे आप, क्या कह रहे हो? किसी का पेमेंट पूरा भी डला है सर, किसी का पेमेंट पूरा भी डला है इसमें आपकी उस लाइन में जो FSC टीम के अंदर कितने का? सर्किल में 3 गाड़ी साहब, वजीरपुर तहसील में 3, जिसके 2 गाड़ी इनके तो पूरे डले और मेरे ही काट लिए, एक गाड़ी का ही कम डला है। हाँ, क्या कारण बताया था आपने पूछी तब? वही GPS का। GPS का क्या कारण रहा? कितने दिन? 17 दिन की लोकेशन बताई जा रही है, ये आप देख सकते हैं। और ये ज्ञापन इन्होंने दिया है, पूरी ज्ञापन को दिखाओ पूरा एक बार। यहाँ तो पूरा काम किया था, ये ज्ञापन इन्होंने दिया है, सही पकड़ना इसको, ये देख सकते हैं आप। और इन्होंने काफ़ी प्रयास किया और प्रयास करने के बाद में इन्होंने आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। उदास है और सभी उदास हैं ये और कहने अगली बार अगर चुनाव, देखो सरपंची के चुनाव भी आ रहे हैं और चुनाव आते ही हैं और आएंगे, अन्यथा जब आएंगे तो ये गाड़ी देने के लिए सभी मना कर रहे हैं। और ये गाड़ियां देखो बेचारा प्राइवेट बस स्टैंड के सामने जो गाड़ियां लगी रहती हैं यहां आके गाड़ियां तो ले जाते हैं लेकिन उनका पेमेंट पूरा नहीं किया गया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बताएं कि गलत हुआ है या सही हुआ है इनके साथ।